वाराणसी में सुनवाई के दौरान कोर्ट में हंगामा देखने को मिला। कोर्ट कमिश्नर को लेकर मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया। विरोध के चलते कोर्ट की कार्यवाही को फिलहाल रोक दिया गया है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट के सामने अपना स्टैंड रखा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष जो है उसकी ओर से हंगामा शुरू कर दिया गया। कोर्ट कमिश्नर पर मुस्लिम पक्ष ने हंगामा किया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल एक पक्ष ने यह मांग की थी कि कोर्ट कमिश्नर को हटाया जाए, उनके निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाते हुए यह मांग, ये याचिका दाखिल की गई थी। और अब यह बड़ी स्थिति सामने आ रही है, जब वाराणसी में सुनवाई के दौरान कोर्ट में हंगामा हुआ है। उम्मीद की जा रही थी कि आज इस मामले पर कोर्ट की ओर से कोई वर्डिक्ट सामने आएगा, लेकिन कार्यवाही के दौरान यह भी एक स्थिति बनती हुई नजर आई जब कोर्ट कमिश्नर पर हंगामा शुरू कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष की ओर से यह हंगामा किया गया, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी पर काशी से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट कमिश्नर पर मुस्लिम पक्ष ने हंगामा किया है, कोर्ट की कार्यवाही को फिलहाल रोकना पड़ा है। हंगामा किस बात को लेकर है, सवाल यही है, क्योंकि कोर्ट इस मामले पर लगातार सुनवाई कर रहा था और सुनवाई के बाद कोर्ट को यह तय करना था कि क्या कोर्ट कमिश्नर को हटाया जाए या फिर कोर्ट कमिश्नर वहां पर वीडियोग्राफी की कार्यवाही में मौजूद रहेंगे। विरोध के चलते कोर्ट की कार्यवाही को फिलहाल रोक दिया गया है। सभी का इंतजार इस बात का है कि कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है। वाराणसी में सुनवाई के दौरान हंगामे की यह खबर सामने आई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। ज्ञानवापी को लेकर जो वीडियोग्राफी होनी थी उस पर जो अर्जी दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई, और उस सुनवाई के दौरान ये बड़ी बात निकलकर सामने आई जब हंगामा देखने को मिला, मुस्लिम पक्ष की ओर से विरोध किया गया। आपको बता दें जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं उन्हें लेकर ये हंगामा देखने को मिला। कोर्ट कमिश्नर ने आज टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और उन्होंने ये बताया कि पक्षपात के आरोप गलत हैं, और दरअसल इसी पक्षपात को आधार बनाते हुए याचिका दाखिल की गई कि कोर्ट कमिश्नर को इस मामले में, इस कार्रवाई में बदला जाए। और ऐसे में कोर्ट की कार्यवाही के दौरान ये स्थिति देखने को मिली जब हंगामा शुरू हो गया, कोर्ट की कार्यवाही को रोकना